CUET. CUET मीन्स बेटा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो सब आप लोग अभी सी अब अपने नेक्स्ट ईयर में आप लोग दोगे, ठीक है। हेलो हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर CUET. CUET मीन्स बेटा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो सब आप लोग अभी सी अब अपने नेक्स्ट ईयर में आप लोग दोगे, ठीक है। सो बेसिकली बेटा हम लोगों का प्लान क्या है CUET के लिए, तो बेसिकली हम आपका जो सिलेबस है क्लास 12th आपकी पूरी आती है इस एग्जामिनेशन में, एंड इसमें दोनों पार्ट्स आते हैं, आपका बॉटनी पार्ट भी एंड दी जूलॉजी पार्ट भी। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी शर्मा, एंड आई टेक केयर ऑफ योर जूलॉजी सेक्शन। ओके, सो इस टेस्ट जो भी हमारा प्लानर है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ईच एंड चैप्टर पूरा NCERT बेस्ड करेंगे, एंड जो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी डेफिनेटली वी विल कवर दीज एक्स्ट्रा थिंग्स इन आवर टॉपिक टू। एंड एवरी लेक्चर एंड एवरी जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड यू सम असाइनमेंट सो दैट यू विल गेट टू नो व्हाट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जामिनेशन। ओके, सो आपको पूरा चैप्टर बेटा NCERT बेस्ड रहना ही चाहिए, बिकॉज NCERT शुड बी ऑन योर फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड द सेकेंड थिंग, द थिंग्स विच विल बी एक्स्ट्रा इन पर्टिकुलर टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर यू, एंड एवरी एंड ऑफ द चैप्टर आई विल प्रोवाइड यू सम असाइनमेंट्स दैट कंसिस्ट ऑफ योर MCQ क्वेश्चन, सो दैट यू विल अवेयर विद द क्वेश्चन और यू विल गेट फेमिलियर फॉर दैट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन कि या ऐसी क्वेश्चन आएंगे, सो यू विल डू दैट विदाउट गेटिंग एनी हेजिटेशन। ओके, सो ऑब्वियसली यार तुम अभी क्लास 12th करके आए हो, तो आपके दिमाग में एक रिविजन तो होगा ही, है ना। सो बस हम जस्ट रिवाइज करेंगे, नथिंग न्यू। ओके, सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर यूनिट दैट इज योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, सो बेटा व्हाट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टेट दैट हाउ ह्यूमन रिप्रोड्यूस, ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ह्यूमन ऐसे ही तो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, देयर आर सर्टेन थिंग्स, देयर आर सर्टेन फिनोमिना एंड द प्रोसेस विच इन्वॉल्व इन दिस ह्यूमन रिप्रोडक्शन, येस और नो। बेटा कोई भी चीज़ होती है उसे बड़ा होने के लिए फर्दर स्टेजेस से पास ऑन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा जब हम लोगों का बर्थ हुआ, है ना, तो हमारे बर्थ के बाद हम तब एक इन्फेंट थे, इन्फेंट से बेटा हम बेबीज में कन्वर्ट हुए, देन वी आर टॉडलर्स, देन टीनेज एज आई, देन एडल्ट, फिर देन ओल्ड भी आएगा। तो सर्टेन फेज है ना लाइफ के, जस्ट लाइक दैट द रिप्रोडक्शन भी इज नॉट लाइक दैट कि आज ही हो गया, है ना। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन मीन्स बेटा हाउ ह्यूमन रिप्रोड्यूस, द फर्स्ट चैप्टर इज योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, एंड ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, ह्यूमन रिप्रोड्यूस हाउ ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्शुअली। ओके, ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा, ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्शुअली, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द ह्यूमन, वी ऑल आर वीवी पैरस विदाउट एनी एक्सेप्शन। हम सब कैसे हैं बेटा, हम ह्यूमन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन्स, हम ह्यूमन्स कैसे हैं बेटा, वी ऑल आर वीवी पैरस, कोई अंडे तो नहीं दे रहा ना, हम वी ऑल आर वीवी पैरस, वी गिव बर्थ टू यंग वंस। बेटा तीन कैटेगरीज होती हैं, एक ओवी पैरस, द वन इज योर ओवी वीवो पैरस, एंड द थर्ड इज द वीवी पैरस। ओवी पैरस आर दोज ऑर्गेनिज्म विच लेज द एग, जो अंडे देते हैं, वीवी पैरस आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ले दी सॉरी नॉट ले दी विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो अपनी जैसे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। फिर एक मिडल कंडीशन आती है, देन इट इज़ योर ओवो वीवी पैरस, बेटा इट हैव अ फंक्शन लाइक द ओवी पैरस एंड द वीवी पैरस, मीन्स इसमें जो बेबी होता है वो सिंस मदर के वर्म में होता है, बट वो एग की फॉर्म में होता है, किसकी फॉर्म में होता है, एग की फॉर्म में, बट इंस्टेड ऑफ दैट वो मदर से कोई न्यूट्रिशन नहीं लेगा, बट जब बेटा वो एग हैच होके बाहर आएगा तो वो एक यंग वन की फॉर्म में आएगा। तो दोनों जैसे कैरेक्टर है ना, ओवो भी एंड बीवी भी, बट
are not OVO VV Paris, we are only and only VV Paris. Am I clear, beta? And these have a different procedures. So different procedure, beta, कैसे start होते हैं? जो human reproduction में जो sexual reproduction होता है, उसका first phase होता है, that is gametogenesis. What is it? That is gametogenesis. बेटा बायो में whenever you see the word genesis, genesis means the formation of gametes. फॉर्मेशन होता है ना, जब टीनेज एज में आते हैं, देन द गैमेट्स विल गोइंग टू बी प्रिपेयर इन योर बॉडी. गैमेट्स बनेंगे एंड दीज गैमेट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन दे ऑल आर हैप्लॉइड. ओके, सो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. मेल के अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे स्पर्म, एंड फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा विच इज योर ओवा एंड द एग, कुछ भी बोल सकते हो. नेक्स्ट प्रोसेस वी हैव बेटा, दैट इज द इनसेमिनेशन. व्हाट इज इट? इनसेमिनेशन. इनसेमिनेशन का मींस क्या होता है? इनसेमिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. जो ये गैमेट्स बने हैं, इन गैमेट का ट्रांसफर करना फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, दैट इज योर इनसेमिनेशन. सो इनसेमिनेशन इज व्हाट बेटा? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. इनटू व्हाट? इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर बेटा ट्रांसफर करना. नेक्स्ट प्रोसेस वी हैव बेटा, दैट इज द फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट स्टेप बेटा हमारी कौन सी होती है? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का मींस क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. अब बेटा गैमेट्स प्रिपेयर हो गए, गैमेट्स को ट्रांसफर भी कर दिया. अब कुछ लॉजिक होगा ना, अगर गैमेट से फ्यूज नहीं होंगे तो बेबी आएगा कहाँ से? सो इन फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट. फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. ओके, दैट इज कॉल्ड बेटा व्हाट? दैट इज कॉल्ड योर फर्टिलाइजेशन. Next step we have in this, that is your implantation. What we have? Implantation. अभी implantation क्या होता है बेटा? Implantation आपको पता होगा कि जब एक fertilization होती है male और female gamete में, after that बेटा zygote बनता है. ये सब अभी जो stage चलती है आपकी cleavage division जिसको हम बोलते हैं, वो अभी fallopian tube में चल रही है ना? ऐसी होती है ना बेटा fallopian tube, I'm drawing it here. ये fallopian tube होती है, then यहाँ से बेटा क्या attach होता है? Uterus attach होता है. ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है. ठीक है, मान लो अभी. सो जो भी क्लीवेज डिवीजन होगी बेटा, अभी वो कहाँ चल रही है? फेलोपियन ट्यूब में. अब बेटा बेबी जो होगा, मींस अभी जो जाइगॉट से क्लीवेज डिवीजन चली, एक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है. वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज यूट्राइन वॉल पे अटैच होती है. क्यों अटैच होती है? इफ दे आर नॉट अटैच विद द यूट्राइन वॉल, दे विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ अ नरिशमेंट. एंड इफ यू वॉन्ट टू डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी, सो डेफिनेटली दे विल हैव टू नीड आर न्यूट्रिशन. उन्हें न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, तभी तो किसी चीज का बेटा प्रॉपर ग्रोथ होगा. इफ दे आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ अ नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स बॉडी, के द बेबी विल सर्वाइव? डेफिनेटली नो. सो द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बेटा, द ब्लास्टोसिस्ट, the implantation of blastocyst, implantation of blastocyst to uterine wall. किससे बेटा? uterine wall से implantation होना. okay, the next we have बेटा gestation period. what is बेटा gestation period? gestation period क्या होता है? अब ये जो blastocyst बेटा uterine wall से attach हुआ है, फर्दर इट विल कन्वर्ट इट इन टू अ एम्ब्रियो. अब एम्ब्रियो की जो स्टेजेस होंगी, बेबी वन ट्राइमेस्टर में जाएगा, सेकेंड में जाएगा, थर्ड, जर ऐसा तो नहीं है बेबी बन गया तो एकदम से उसके हाथ पैर बन जाएंगे. नो बेटा, मैं बताऊँगी कौन से स्टेजेस पे किसका फॉर्मेशन होता है, लिम्स कब फॉर्म होते हैं, हार्ट कब फॉर्म होता है, ब्रेन कब फॉर्म होता है. ठीक है, सो द गेस्टेशन इज वॉट? वॉट इज गेस्टेशन? गेस्टेशन इज नथिंग, इट इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट.
okay, it is what? It is the embryonic development, which is about 9 months. Kitne months ki hoti hai human ki beta? 9 months ki. Next step and the last step we have, that is the parturition. Kya hai last step beta? Parturition. Parturition kya hota hai? अब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरी हो गई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा होने के बाद क्या होगा बेटा? द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी. क्या होगा बेटा? द डेवलपमेंट ऑफ बेबी. ओके, सो बेटा गेस्टेशन इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. आफ्टर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट व्हाट वी हैव? पार्चुरेशन. जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा, बेबी बाहर भी आएगा ना, सो पार्चुरेशन इज व्हाट? द डिलीवरी ऑफ द बेबी. पार्चुरेशन इज व्हाट? डिलीवरी of baby. अब baby की क्या होगी बेटा? Delivery होगी and then it will come into the that. Yes or no? So these all are the steps which is involved in the human reproduction, the gametogenesis beta, formation of gametes, then the insemination, the transfer of male gametes into the female reproductive tract beta, then we have what beta? Then we have fertilization, fusion of male and female gametes beta, then we have beta what? Implantation means blastocyst attached to the uterine wall. Then we have gestation period. Gestation is that period in which embryonic development take place. After that and the last we have parturition, and parturition is the delivery of baby. So one by one we will going to discuss about each and every steps in the detail. Okay, so ab gametogenesis ho raha hai, so before starting with the gametogenesis you should know about the what are the organs that is present in the male one and the female one. Okay, so male reproductive system, let me start with the male reproductive system. Okay, so beta first system we have the male reproductive system. सो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चार पार्ट्स में डिवाइडेड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इट इज डिवाइडेड इन टू दी फोर पार्ट्स. द वन यू हैव प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के दे हैव फोर पार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज योर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है मेल्स में? टेस्टिस. What they have beta? They have testis which is responsible for the gamete formation. Next beta they have what? They have external genitalia. They have external genitalia or the genitalia, whatever you want to call that. External genitalia in the male, their penis. Okay beta, they also have accessory glands. They also have accessory glands and they have proper duct system. Okay, what they have beta? They have a duct system and these duct which is related with their genital system, so they known as the genital duct. They known as what beta? They known as the genital duct. So male reproductive parts mein there are total four parts. The first is your primary reproductive organ which is the testis, external genitalia which is the penis beta, accessory glands they have and the genital duct. Here you can see the beta diagram of the male reproductive system. If this diagram or the font is not clear to you, just open your NCERT. Okay, वो तो सबके पास होंगी ना, है ना? I hope. तो बेटा देखो इसमें जो ये यहाँ पर जो ये external वो दिया हुआ है genitalia which is the penis. यहाँ पर आप एक scrotum में hanging like structure देख रहे होंगे which is the testis and this is the primary reproductive organ. Okay, next beta their genital duct की बात करो. क्या है genital duct? Vas deferens and the ejaculatory duct. Okay, next beta accessory glands देखो इधर. accessory glands क्या है इनके पास? Seminal vesicle है बेटा, bulbo urethral glands है इनके पास and the prostate glands. These all are the accessory glands in the male. बेटा इसको देखो एक बार. Okay, so beta now we are going to start with the primary reproductive organ. Primary reproductive organ that is the testis. क्या है बेटा ये? Testis. Okay, so बेटा जो testis होती है वो कैसे present होती है?
Pitta primary reproductive organ produce male gametes. Okay, primary जो reproductive organ होते हैं बेटा, primary reproductive male organ, yes, produced what beta? Produce male gametes. क्या produce करते हैं बेटा? Male gamete, which is the sperm. What is it beta? Sperm. Okay, primary male reproductive organ है, which is the testis, और ये male gamete बनाते हैं, मैंने अभी तुम्हें बताया. And कौन सा male gamete होता है males में beta? The sperm. Okay, now beta, जो ये पर्टिकुलर टेस्टिस होता है, हाउ इज इट लुक लाइक? देखो सपोज बेटा ये टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस इज ओवल इन शेप बेटा, एंड ये एक बेटा सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसे हम स्क्रॉटम बोलते हैं. टेस्टिस बेटा एक हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रॉटम बोलते हैं. सपोज बेटा ये इसके अराउंड क्या है, ये स्क्रॉटम है. ओके, दिस इज वॉट बेटा, दिस इज द टेस्टिस, and these hanging like structure, this is the scrotum. अब बेटा scrotum के अंदर बेटा दो layers होती हैं, एक होती है तुम्हारी tunica vaginalis and the tunica albiginalis. okay बेटा, इसलिए मैंने ये दो बनाई है so that तुम्हें याद रहे. बेटा scrotum एक sac like structure होती है जिसके अंदर testes present होते हैं. अगर ये sac like structure है बेटा, इसके अंदर testes present होंगे. इस scrotum के अंदर बेटा एक connective tissue होता है. suppose ये एक connective tissue है and इस connective tissue की बेटा दो layer होती है. इस कनेक्टिव टिश्यू की बेटा टू लेयर्स होते हैं. दिस इज दी वन इज ट्यूनिका वेजाइनेलिस. अगर सपोज दिस इज दी ट्यूनिका वेजाइनेलिस बेटा, एंड अनदर वी हैव व्हाट? ट्यूनिका एल्बिजेनिस. अनदर वी हैव व्हाट बेटा? अनदर दिस वन वी हैव दी ट्यूनिका एल्बिजेनिस. ओके, अब देखो बेटा अगर ये टेस्टिस है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ दिस इज योर टेस्टिस एंड इट इज अंडर इन दी स्क्रॉटम विच इज अ हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर. बेटा यहाँ पर ये जो स्क्रॉटम है उसके बीच में कनेक्टिव टिश्यू है. सपोज जो ये अंदर वाला है ना, दैट इज योर ट्यूनिका एल्बिजेनिस एंड दैट वन इज योर बेटा ट्यूनिका वेजाइनेलिस. बेटा ये ट्यूनिका एल्बिजेनिस अंदर जाके फर्दर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड हो जाता है जिसको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं. ये ट्यूनिका एल्बिजेनिस बेटा अंदर जाके छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स. ये क्या बनाए हैं मैंने बेटा? दीज आर दी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स. व्हाट दे आर? दीज आर योर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स. ये बेटा क्या हो गए? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हो गए. इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर बेटा 1, 2, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है. इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर बेटा फर्दर अंदर क्या मिलेगा आपको? 1, 2, 3 सेमिनिफेरस बेटा क्या मिलती है? ट्यूब्यूल्स मिलती है. व्हाट यू फाउंड बेटा? दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बेटा क्या कंटेन करती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन्स दी जर्म सेल्स. आई एम राइटिंग इट हियर. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन्स योर जर्म सेल. व्हाट दे कंटेन बेटा? दे कंटेन्स दी जर्म सेल. देखो इधर. नेक्स्ट बेटा, अब तुम्हारे को पता चल गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं विच इज 1, 2, 3 इन नंबर एंड दे कंटेन्स दी जर्म सेल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर्स अबाउट दी टेस्टिस. टेस्टिस है, हैंग करती है बेटा कहाँ पर? स्पॉटम में. जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस दे आर प्रेजेंट एक्स्ट्रा एब्डोमिनली. बेटा ये इनसाइड दी एब्डोमिन प्रेजेंट नहीं होती, एब्डोमिन के बाहर प्रेजेंट होती है. बिकॉज इनके लिए बेटा ये क्या बनाती है? मेल गैमेट्स बनाती है. सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट्स द टेम्परेचर इज रिक्वायर लेस देन द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर से बेटा 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होना चाहिए, देन द गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस. अगर बॉडी टेम्परेचर जितना ही टेम्परेचर टेस्टिस में हो तो मेल गैमेट फॉर्मेशन विल नॉट बी टेक प्लेस. सो टेस्टिस कैसे प्रेजेंट होती है बेटा? एक्स्ट्रा एब्डोमिनली. एब्डोमिन के अंदर नहीं होती, एब्डोमिन के बाहर पर प्रेजेंट होती है. दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिन. एम आई क्लियर बेटा? सो द टेस्टिस बेटा, द टेस्टिस आर प्रेजेंट
एक्स्ट्रा एब्डोमिनली. कैसे प्रेजेंट होते हैं बेटा? एक्स्ट्रा एब्डोमिनली प्रेजेंट होती हैं बिकॉज फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर टेम्परेचर लेस देन फ्रॉम दी बॉडी टेम्परेचर. ओके, एंड बॉडी टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर लेस होना चाहिए बेटा? 2 to 2.5 degrees Celsius. ओके, सपोज आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 37 degrees Celsius है ना द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सो 37 से बेटा 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होना चाहिए. बच्चों का मिथ होता है कि 2.5 डिग्री सेल्सियस बोला है तो इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ना फ्रीज ना हो जाएंगे, तो बेटा उससे कम चाहिए. एम आई क्लियर बेटा? ईच टेस्टिस हैव्स अबाउट 250 कंपार्टमेंट. ईच टेस्टिस हैव अबाउट व्हाट कंपार्टमेंट्स बेटा? 250 कंपार्टमेंट्स. ये तो मैंने यहाँ 3-4 बनाए हैं. एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट होंगे बेटा? 250 कंपार्टमेंट. ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे ईच टेस्टिस हैव 250 कंपार्टमेंट्स जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा हम? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं. कितने होते हैं बेटा एक टेस्टिस के अंदर? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं. ओके, एंड बेटा और टेस्टिस किस शेप में होती है? दे आर ओवल इन शेप. टेस्टिस आर बेटा व्हाट? मैंने क्या यहाँ पर राउंड स्ट्रक्चर बनाई? मैंने इलोंगेटेड बनाया ना, आई ड्रॉ इलोंगेटेड. सो टेस्टिस बेटा दे आर ओवल इन शेप. टेस्टिस बेटा दे आर ओवल इन शेप. चलो जल्दी जल्दी बताओ लेंथ और वेथ कितनी होती है? यस, लेंथ इज अबाउट 4 to 5 centimeters एंड वेथ इज अबाउट 2 to 3 centimeters. लेंथ कितनी होती है? 4 to 5 centimeters होती है एंड वेथ इज अराउंड 2 to 3 centimeters. आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू एवरी वन. येस और नो? तो बेटा एक बार और देखेंगे. टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनली प्रेजेंट होती हैं. टेस्टिस आर द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल गैमेट. ओके, एंड टेस्टिस टेम्परेचर इज लेस देन द बॉडी टेम्परेचर बिकॉज दे नीड अ गैमेट फॉर्मेशन. क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन बेटा यही होगा, तो बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर क्या होना चाहिए इनसाइड? सो दो 2 to 2.5 degrees लेस होना चाहिए. ओके बेटा, ये टेस्टिस होते हैं. टेस्टिस के बाहर टेस्टिस हैंग करते हैं स्क्रॉटम लाइक स्ट्रक्चर में. स्क्रॉटम के बीच में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं बेटा, विच इज योर ट्यूनिका वेजाइनलिस एंड द ट्यूनिका एल्बिजिनिस. ट्यूनिका एल्बिजिनिस बेटा फर्दर डिवाइडेड हो जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में एंड ईच टेस्टिस कंटेन्स द 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ओके, एंड दीज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैव व्हाट? दे हैव सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विच कंटेन्स द मेल जर्म सेल्स. दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिस. देखो इसे एक बार. ओके बेटा, सो ये किसका डायग्राम दिया हुआ है? ये डायग्राम दिया हुआ है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का. आई नो इसमें फॉन्ट क्लियर नहीं है, सो आई एम राइटिंग फॉर यू बेटा. दिस वन इज योर स्पर्मेटोजोआ. दिस वन इज योर बेटा स्पर्मेटोजोआ. जस्ट ओपन योर एनसीईआरटी बेटा अगर आपको ये फॉन्ट क्लियर नहीं है तो. ओके, सो बेटा ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम दिया हुआ है. सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल मेक दिस डायग्राम इन दी सिंपलर वर्जन, बिकॉज आप लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन होती है यार इस डायग्राम को कैसे पढ़ें, क्या दे दिया. बेटा ये क्या है? ये आपकी स्पर्मेटोगोनिया दिया हुआ है. ओके, सो बेटा एनसीईआरटी खोल लो, जंग नहीं लगनी चाहिए उन पे. ओके, सो बेटा ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं ये वेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. कैसे स्ट्रक्चर होते हैं बेटा? वेल लाइक स्ट्रक्चर. सो हम यहाँ पर ऐसे बना देते हैं. सो वॉट इज दिस बेटा? दीज आर दी वेल लाइक स्ट्रक्चर विच इज योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ओके, क्या है बेटा? ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं. ओके बेटा, अब एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? ये किससे लाइंड होता है? यस, दिस इज लाइंड बाय द टर्मिनल एपिथेलियम. सपोज बेटा ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये ऐसे लाइंड होगा आपकी जर्मिनल एपिथेलियम से. यही जर्मिनल एपिथेलियम आगे जाके ग्रो करेगी, डिफ्रेंशिएटेड करेगी और आपके मेल जर्म सेल बनाएगी. ओके, दैट इज वॉट बेटा? दैट इज द जर्मिनल एपिथेलियम.
बेटा इन टर्मिनल एपिथेलियम में कुछ लॉन्ग और एलोंगेटेड सेल्स भी होते हैं. दे हैव सम लॉन्ग एंड द एलोंगेटेड सेल्स विच इज नोन एज द सर्टोली सेल्स. ओके क्या बोलते हैं बेटा, सर्टोली सेल्स भी बोलते हैं. अब मैंने बोला कि यही जर्मिनल एपिथेलियम होती हैं जो आगे ग्रो करती हैं, डिवाइड करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं और मेल जर्म सेल बनाती हैं. सो बेटा अगर इनमें डिवीजन चल रही है तो पहला कौन सा होगा बेटा, आपका स्पर्मेटोगोनिया. आई एम यूजिंग डिफरेंट पेन, सो यू ऑल्सो यूज बेटा डिफरेंट पेन, सो यू गाइज डोंट कन्फ्यूज दैट. ये पूरा गैमेटोजेनेसिस चलता है, वी विल डिस्कस इट लेटर व्हेन आई विल कवर यू अबाउट दी गैमेटोजेनेसिस ऑफ द मेल. ठीक है, सो बेटा स्पर्मेटोगोनिया हुआ, स्पर्मेटोगोनिया आगे डिवाइड करेगा क्या बनाएगा, आप सबको पता है स्पर्मेटोगोनिया आगे डिवाइड करेगा बेटा, फिर बनेगा आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. व्हाट इज दिस इन पिंक कलर बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. बेटा फिर ये आगे फर्दर और डिवाइड करेंगे, फिर आपका क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. क्या बना बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना. ठीक है बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या बनते हैं आपके, स्पर्मेटिड्स बनते हैं. क्या बनते हैं बेटा, स्पर्मेटिड्स. ओके नेक्स्ट वी हैव बेटा दैट Not using green pen. Yes, wait. Next, beta, we have here the spermatids. What is it, beta? That is the spermatids. And then in the last, beta, we have what? The sperms. Okay. What we have here, beta? The sperms. Okay. What is it? It is the sperm. Okay. Sperm. Next, beta, in the between the seminiferous tubules, you found some space. And these space have a interstitial fluid. These space have what beta? These space have some interstitial fluid. क्यों हम इसे interstitial fluid बोलते हैं? क्योंकि बेटा देखो ये दो cells के बीच में ना दो सेलों के बीच में, so that is what interstitial fluid. And interstitial fluid have some cells which is your interstitial cells. क्या होते हैं बेटा, इंटरस्टीशियल सेल्स भी होते हैं. वॉट दे हैव, इंटरस्टीशियल सेल्स. नाउ वॉट इज द रोल ऑफ दैट इंटरस्टीशियल सेल्स. यस इंटरस्टीशियल सेल्स बेटा कि क्या करेंगे ये बेटा, हॉर्मोन्स बनाने, हॉर्मोन्स सिक्रेट करेंगे. वॉट दे आर सिक्रेटिंग, इंटरस्टीशियल सेल्स में बेटा हॉर्मोन सिक्रेट करेंगे एंड ऑल्सो बेटा कोई भी पैथोजन वगैरह होगा उसको भी डिटेक्ट करेंगे. Now beta, here you have a Sertoli cells. What is the function of your Sertoli cells? Yes. पहली बात beta, interstitial cells have another name which is also known as the Leydig cells. Now beta, what is the function of Sertoli cells? Sertoli cells provide nourishment to the Developing germ cell. ये किसको nourishment provide कराते बेटा, to the developing germ cell. Germ cells क्या है आपके, ये है ना. And next बेटा Sertoli cells also known as the nurse cell. क्यों Sertoli cell को हम nurse cells बोलते हैं, why we are calling Sertoli cell as a nurse cell. The first reason is that सुनो, Sertoli cells बेटा पहले germinal epithelium divide करी and differentiated करी, then male germ sperms बने, that is the sperm. बेटा ये sperm ना embedded होते हैं germinal epithelium में before maturation. जब एक fully sperm mature नहीं होता तो तब तक उसे Sertoli cell बेटा mature करते हैं, nourish करते हैं और उसे nourishment provide करते हैं. ओके एंड बेटा ऐसा नहीं है कि हर एक sperm mature होगा और हर एक sperm ही grow करेगा, नहीं. जब ये जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर प्रोसेस चलती है गैमेटोजेनेसिस की, सो कुछ स्पर्म्स बेटा वो प्रॉपर मेच्योर नहीं हो पाते और उनकी डेथ हो जाती है. और जब स्पर्म मेच्योर करके अपने नेक्स्ट स्टेज में आता है तो कुछ पार्ट बेटा डेड हो जाते हैं और वॉर्न आउट भी हो जाते हैं. अब नेक्स्ट स्टेज में जा रहे तो कुछ पार्ट तो अपने लॉस्ट करेंगे ना, तो Sertoli सेल्स बेटा फेगोसाइटोसिस की तरह भी एक्ट करता है, वो वॉर्न आउट एंड द डेड पार्टिकल्स को इनगल्फ भी कर लेता है. एंड Sertoli सेल्स ऑल्सो मेक दी टेस्टिस ब्लड बैरियर. ये बेटा ब्लड को टेस्टिस में नहीं आने देता. व्हाई नॉट, द सीमेन कलर इज रेड बेटा,
बिकॉज द रीज़न इज दैट क्योंकि ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाया है किसने, सर्टोली ने. अगर गलती से ब्लड टेस्टिस के अंदर चला जाएगा देयर विल बी अ प्रॉब्लम, इट वुड बी अ प्रॉब्लमैटिक टू द पर्सन बिकॉज समटाइम्स यू हैव वायरल और द पैथोजेनिक इन्फेक्शन. सो दीज इन्फेक्शन कैन डैमेज द मेल जर्म सेल्स. सो दैट्स वाई नेचर मेक हेयर वॉट ब्लड टेस्टिस बैरियर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. Seminiferous tubule, it is lined up by germinal epithelium in which the gametogenesis will be take place beta. They have interstitial cells or the Leydig cells which secretes the androgens and the testosterone beta. Sertoli cells provide the nourishment to the developing sperms, and they also known as the nerve cell because they are take caring of the male sperm. I hope this diagram is clear to you now. Just see beta. And also beta, in this particular part you also have a immunocompetent cells. Also you have here the immunocompetent cell. What do you have here beta? Immunocompetent cells. What is the function of these immunocompetent cell beta? They provide immunity. They provide immunity to the particular sperms. Okay. Next beta, in your you have some lines. This in your NCRT. As I told you, just make a habit to read your NCRT if you want to clear the exam. Okay. So beta, each lobule contains 1, 2, 3 highly coiled seminiferous tubule. एक testicular lobule में कितने seminiferous tubules होंगे बेटा? 1, 2, 3. In which sperms are produced. अभी दिखाया है ना, germinal epithelium divide करी, grow करी and then sperm बनी. Each seminiferous tubule is lined on its 2-byte type of a cells. देखो बेटा ये रहा यहाँ पर the yes the बेटा देखो मेल जर्म सेल दैट इज द स्पर्मेटोगोनिया एंड द सर्टोली सेल्स. एंड बेटा द मेल जर्म सेल बेटा अंडरगो मियोटिक डिवीजन. इनिशियली मैंने बताया था ना हैप्लॉइड होते हैं. कभी देखा है माइटोसिस करके गैमिट्स बन रहे हैं? नहीं ना, हमेशा हाफ नंबर ऑफ गैमिट्स होता है क्योंकि 23 तो मम्मा भी देंगे ना, 23 पापा दे रहे हैं तो. ओके, सो सारे मेल गैमिट्स कैसे होते हैं बेटा और फीमेल गैमिट्स हैप्लॉइड. सो सब में मियोटिक डिवीजन होगी. जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन वाइल सर्टोली सेल्स. बेटा सर्टोली सेल के फंक्शन देखो, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल्स. ओके, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस. ये जो स्पेस है बेटा, ये क्या बताया था मैंने, इंटरस्टिशियल स्पेस बताया था ना, जहाँ पर क्या होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड दी सेल है. और दूसरा कौन सा सेल मिला अभी आपको, इम्यूनो कॉम्पिटेंट. ओके, कंटेन्स स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड द इंटरस्टिशियल सेल्स और द लेडिक सेल. देखो सब वही लिखा हुआ है. लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रेट बेटा टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स. बताया ना मैंने लेडिक सेल क्या करता है, हॉर्मोन सिक्रेट करता है. अगर हम एक टेस्टोस्टेरोन की बात, अगर मेल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू यूज द एंड्रोजन टर्म्स. ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, एंड्रोजन्स. सो एंड कॉल्ड एंड्रोजन्स. देखो टेस्टिकुलर हॉर्मोन विच इज द टेस्टोस्टेरोन एंड इन द रिस्पेक्ट टू मेल व्हाट वी आर गोइंग टू यूज बेटा, एंड्रोजन्स. अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. देखो ये रहे आपके इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स बेटा विच प्रोवाइड्स द इम्यूनिटी टू योर स्पर्म. आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग्स क्लियर टू यू नाउ. द नेक्स्ट बेटा वी हैव वॉट, द नेक्स्ट वी हैव अ डक्ट सिस्टम. वॉट वी हैव नेक्स्ट, द डक्ट सिस्टम. दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बेटा. देखो इजी वर्जन बनाएंगे, अगर ये क्लियर नहीं है कुछ बच्चों को तो ठीक है, आई होप नहीं होगा किसी किसी को. तो टेस्टिस कैसी होती है बेटा, ओवल इन शेप. टेस्टिस के अंदर बेटा डिवाइडेड होते हैं क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं ना बेटा. वैसे तो 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ का 250 कंपार्टमेंट्स बनाए, दैट्स वाई आई ड्रॉ ओनली 3 to 4. बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल से एक डक्ट अराइज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, यस ट्यूबुलाई रेक्टाई. क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूबुलाई रेक्टाई. एक डक्ट निकल रही होती है बेटा यहाँ से, ऐसे ग्राउंड कलर से बनाते हैं बेटा, ये ऐसे डक्ट्स निकल रही होती हैं, दैट इज बेटा वॉट, ट्यूबुलाई रेक्टाई. अब तुम बोलोगे मैम दी हुई नहीं है ट्यूबुलाई रेक्टाई,
बेटा कुछ चीज़ें नहीं दी होती तो कुछ चीज़ें आपको खुद पढ़नी भी पड़ती हैं, ठीक है। क्या है ये डक बेटा, ये छोटी छोटी डक, डैट इज़ योर ट्यूबुलाई रेक्टाई। एंड बेटा नाउ दिस ऑल ट्यूबुलाई रेक्टाई दे मर्ज इन टू द रेटा टेस्टिस, वे मर्ज इन टू द बेटा रेटी टेस्टिस। बेटा ये ड्रेनेज जैसा पाइप लगा लो, ये क्या है बेटा, ये रेटी टेस्टिस है, ओके। अब ये मत बोलना रेटी टेस्टिस नहीं है, आई नो रिटन में मेंशन नहीं है, बट देखो डायग्राम में तो मेंशन है रेटी टेस्टिस, देखो। सो बेटा टेस्टिकुलर टेस्टिस है, टेस्टिस हैव कंपार्टमेंट्स विच इज नोन एज द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल से बेटा एक डक्ट निकल रही होती है जिसको हम ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलते हैं। एंड ये सारी डक्ट बेटा एक बड़ी डक्ट में मर्ज होती है जिसको हम रेटी टेस्टिस बोलते हैं। ऐसे लगा लो बेटा घर से एक छोटे छोटे सीवेज की पाइप्स निकलती हैं एंड वो जाके मर्ज हो जाती हैं सीवर में। सीवर तो बेटा वो होता है ना जिससे सब घरों का कचरा इकट्ठा होकर वहाँ आ रहा होता है, तो ऐसे लगा लो ये अलग अलग घरों की ड्रेनेज पाइप है एंड दे मीट इन टू दी सीवर, ओके। ऐसे लगा लो क्या जा रहा है। अब नेक्स्ट बेटा दीज पर्टिकुलर रेटी टेस्टिस विल ओपन इन टू दी वासा एफरिंशिया। नाउ हेयर वासा एफरिंशिया लीव दी टेस्टिस, नाउ हेयर वासा एफरिंशिया लीव दी टेस्टिस। ये क्या है बेटा आपका वासा एफरिंशिया है, वॉट इज इट बेटा, दैट इज दी वासा एफरिंशिया। नाउ वासा एफरिंशिया इज ओपन इन टू दी एपिडाइमिस। देखो बेटा हेयर वासा एफरिंशिया है, वासा एफरिंशिया बाहर निकल गया ना टेस्टिस से, नाउ इट इज ओपन इन टू दी एपिडाइमिस, ओके। ऐसे लगाओ बेटा दैट इज योर एपिडाइमिस। अब नाउ बेटा दिस एपिडाइमिस इज ओपन इन टू अ वास डिफरेंस एंड वास डिफरेंस इट इज द लॉन्गेस्ट डक्ट। अगर आपको बेटा यहाँ पर ये दिख रहा होगा ये वास डिफरेंस, हेयर हेयर वी हैव अ वास डिफरेंस, बेटा देखो ये कितनी लंबी डक्ट है ना, ये देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है बेटा। वास डिफरेंस बेटा एब्डोमिन के अंदर जाके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूम के आती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नहीं चली जाती, वास डिफरेंस था बेटा ऊपर से यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूम के आती है एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट डक्ट, ओके। नाउ दिस एपिडाइमिस बेटा ओपन इन टू दी विच बेटा, दैट इज योर वास डिफरेंस, ओके। वॉट इज इट बेटा, दैट इज दी वास डिफरेंस। नाउ बेटा दिस वास डिफरेंस इज ओपन इन टू अ ग्लैंड विच ग्लैंड डक्ट विच इज योर सेमिनल वेसिकल डक्ट, ओके। बेटा देखो हेयर यू हैव द सेमिनल वेसिकल बट दिस ग्लैंड इट दिस इज योर सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ओके। सो दिस वास डिफरेंस इज ओपन इन टू अ डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल एंड दिस डक्ट इज नोन एज द सेमिनल डक्ट, ओके। सो आई मेक इट विद द येल्लो कलर बेटा, this is what, this is your seminal duct, okay. Now beta seminal duct and the vas deferens they combinedly make a ejaculatory duct. Here you have beta these vas deferens and here you have a seminal duct, so they both combinedly make what beta, they both combinedly make a ejaculatory duct. What they make beta here, ejaculatory duct, okay. This is your ejaculatory duct. Now beta these ejaculatory duct further open into the urethra, these ejaculatory duct further open into the urethra, am I clear beta? And these urethra further open into a beta opening which is known as the urethral meatus, okay. This opening is known as the urethral meatus and urethral meatus is a common opening for the discharge of the semen as well as for the urine. So beta same opening for the semen and the urine, so they have a urogenital tract. What they have beta, they have a urogenital duct system, okay. What is the role of these duct system? They help in the transport of the gametes. These duct system is responsible for the transport of gametes. किसके लिए responsible होंगे? Gametes के transport के लिए. And कुछ particular ducts के अंदर ये gametes क्या होंगे? Stores भी होंगे.
सो दे स्टोर्स गैमेट्स और कुछ डक्ट में बेटा इनको नरिशमेंट भी प्रोवाइड होंगी. ओके सो डक्ट सिस्टम इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है. आई होप नाउ दिस डायग्राम इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट. बेटा ये टेस्टिस है. टेस्टिस हैव अ सर्टेन कंपार्टमेंट्स विच वी कॉल द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैव अ ओपनिंग विच इज नोन एज द ट्यूबुलाई रेक्टाई एंड दीज ऑल स्मॉल डक्ट्स फर्दर मर्ज इनटू अ कॉमन डक्ट दैट इज नोन एज द रेटी टेस्टिस. रेटी टेस्टिस फर्दर विल ओपन इनटू अ विच बेटा वासा एफरेंशिया. Then vasa efferentia will continue in beta what that is your epididymis. Epididymis will further open into a vas deferens which is the longest duct in the entire duct system. Now these vasa deferens it is meet up with the gland. Kaun sa gland hai beta? That is your seminal gland. They meet into a seminal gland duct which is the seminal duct. Now these vas deferens, jo ye vas deferens hai aapka aur seminal duct hai, ye dono milke ek nai duct banati hai jisko bolte hai ejaculatory duct. Now these ejaculatory duct will open into the urethra and urethra will open into a opening which is known as the urethral meatus. And urethral meters, it is a single opening which is responsible for the discharge of semen and the discharge of urine as well as. So these male system have beta responsible for both na from same opening discharge of the semen will going to be happen and the discharge of urine. So that type of a system is known as the urinogenital system. Am I clear beta? And what is the role and the importance of your duct system? They are responsible for the transport of the gametes. They are responsible for the storage of the gametes and as well as these ducts provide the nourishment to the sperms. I hope these all things are clear to everyone now. Yes? Beta batao mujhe. Okay beta, I hope ye aapko acche se aa gaya hoga. नेक्स्ट बेटा वी हैव अ एसेसरी ग्लैंड्स. एसेसरी ग्लैंड्स यू हैव टू थ्री टाइप. कौन कौन से? अभी मैंने तुम्हें एसेसरी ग्लैंड्स बताए थे स्टार्टिंग में. एक बताया था मैंने तुम्हें प्रोस्टेट ग्लैंड्स, एक बताया था सेमिनल वेसिकल. वन इज योर बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड है बेटा, एक सेमिनल वेसिकल है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. अनदर इज योर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है काउपर्स ग्लैंड. वॉट इज द अनदर नेम ऑफ द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बेटा? कॉपर्स ग्लैंड. ओके कॉपर्स ग्लैंड. नाउ बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड इट इज बेटा सिंगल. ये प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा सिंगल होता है. अब ये मिंगल नहीं बोलेंगे, पेयर्ड पेयर्ड. ओके सेमिनल वेसिकल बेटा ये पेयर्ड है आपका एंड दिस वन इज ऑल्सो योर पेयर्ड. ओके अब ये सेमिनल वेसिक प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा दिखता है? इट इज अ पी शेप्ड ग्लैंड. ओ सॉरी इट इज नॉट अ पी. यहाँ पी जैसी शेप की ग्लैंड लगा सकते हो. इसकी शेप कुछ ऐसी होती है. एंड बेटा ये क्या प्रोड्यूस करता है? दे प्रोड्यूस कैल्शियम एंड दी एंड ग्लूकोज. ओके बेटा ग्लूकोज और सर्टेन एंजाइम्स भी ये प्रोवाइड करेगा. ओके दे सिक्रीट बेटा वॉट? दे सिक्रीट कैल्शियम. अब बेटा कैल्शियम प्रोवाइड करेगा एंड दी सर्टेन एंजाइम्स. बेटा पहले मेरी एक बात सुनो. जब मिल के जब जेनाइटल डक्ट में से बेटा जो डिस्चार्ज होता है वो किसका होता है बेटा? सेमिनल फ्लूइड का होता है. ओके एंड दी सीमेन बेटा, सीमेन है बेटा. इस सीमेन के अंदर क्या होगा? इस सीमेन के अंदर बेटा एक तो स्पर्म्स होंगे और दूसरा सेमिनल फ्लूइड होगा जिसे हम सेमिनल प्लाज्मा भी बोल देते हैं. अब बेटा जो ये सेमिनल प्लाज्मा और जो ये फ्लूइड बना है दे आर मेक बाय दीज प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और दी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ओके सो बेटा दीज सीमेन कंटेन दी स्पर्म और दी व्हाट बेटा? सेमिनल प्लाज्मा. आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू. ऐसा नहीं बेटा सीमेन में सिर्फ स्पर्म्स होते हैं. नो इट कंटेन्स सेमिनल प्लाज्मा ऑल्सो. सो प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा सिंगल होता है. ये सिक्रीट करेगा कैल्शियम. कैल्शियम की क्या जरूरत है स्पर्म को? आपको पता है ना स्पर्म क्या करता है? फ्लैजुलर मूवमेंट करता है, भागता है जब ट्रैक्ट के अंदर जाता है. तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? डेफिनेटली कैल्शियम प्रोवाइड करेगा.
सर्टेन इंसाइम्स चाहिए जो वॉल ब्रेक कर सके ओवा की. पढ़ के आयो आप ये सब, है ना. अब बेटा ये पेयर्ड होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट बिहाइंड दी यूरिनरी ब्लैडर. सो दीज मैंने बताया था ना ऊपर से घूम के आता है, सो दे आर प्रेजेंट बिहाइंड दी, दे आर प्रेजेंट बिहाइंड दी यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से घूम के आएगा बेटा, एंड ये फ्रक्टोज का सिक्रीशन करता है. किसका सिक्रीशन करता है बेटा, फ्रक्टोज का. ये याद रखना है कौन क्या सिक्रीट कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट. पूछ सकते हैं कि फ्रक्टोज सिक्रीटेड बाय विच ग्लैंड, पता होना चाहिए. और ये भी पता होना चाहिए जो सीमेन होता है इसमें सेमिनल प्लाज्मा प्लस योर स्पर्म होते हैं. नेक्स्ट कम टू योर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड विच इज योर पेयर्ड, एंड दे ऑल्सो हैव अ पी शेप्ड बेटा, पी शेप्ड जैसी साइज होता है इसका. और क्या होता है इसमें बेटा, ये प्रोड्यूस करता है म्यूकस जो बेटा गैमेट्स के लिए लुब्रिकेशन होता है और जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे ये लुब्रिकेट करता है. सो बेटा एक तीनों ही बेटा म्यूकस सिक्रेट करते हैं, ये भी सिक्रेट करता है म्यूकस, ये भी करता है बेटा, ये ज़्यादा अमाउंट में करता है और हम उसी चीज़ को लग लेते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट पे करे. ओके, सो इट प्रोड्यूस म्यूकस, इट प्रोड्यूस व्हाट बेटा, इट प्रोड्यूस म्यूकस बिकॉज दे हैव म्यूकस ग्लैंड्स. ओके, आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू. नाउ द टॉपिक विच इज लेफ्ट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नाउ दैट इज ओनली देयर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच.